आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशान गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हम मुकेश कुमार, हम इस समय मौजूद हैं फूलपुर तहसील के अंतर्गत, ये ग्राम सभा खुटौली है, खुटौली है। यहाँ पर एक कोटेदार के द्वारा जो है बच्चे के साथ अभद्रता की गई है, उसको मारा गया है। क्यों? अगर वो चाहता है कि मेरा जो हक है, अगर मैं अपने हक के लिए, अपने हकों के लिए उससे सवाल पूछता हूँ, कोटेदार से सवाल पूछता हूँ कि हमारा 5 किलो राशन क्यों काटा जाता है, तो उसी कोटेदार के द्वारा, उसी दबंगा कोटेदार के साथ जो आरोप लगा रही हैं महिलाएँ, हमारे साथ जो पीछे भाई सब खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि वो लोग इकट्ठा होकर उस बच्चे को इतनी मार मारे हैं कि उसको काफ़ी चोट आई है। और मैं यहाँ के जो है ग्रामीण लोग हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों कोटेदार करते हैं और ऐसा क्यों करने पे वो मजबूर करते हैं, ये पीड़ित जो जनता है ये क्या कहना चाहेगी। भैया आपका परिचय? मैं अंगद राजभर, सोहेल भारतीय समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष निजामाबाद से हूँ। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको कि यह जो कोटा है, ये कोर्ट द्वारा पाया गया इनको, ठीक है। इससे इनको घमंड है कि हमारा कोटा जाएगा नहीं, इसीलिए कोई भी आदमी जाता उनसे यहाँ राशन लेने के लिए तो उनको 5 किलो कम करके देते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो सीधे कहते हैं कि जाइए, चाहे थाना पे चले जाइए, चाहे तहसील पे चले जाइए, चाहे जिला पे चले जाइए, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अच्छा, इस तरह दबंगई, वो इस तरीके की दबंगई कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं कोर्ट से पाया हूँ, ये सब उसको जो निरस्त नहीं करवा पाएंगे, इस करके उनकी दबंगई चल रही है। उनको जनता की ताकत आप नहीं बताने? मैं बता रहा हूँ को जनता में वह ताकत है कि कोर्ट नहीं, ये जनता के साथ अगर उत्पीड़न होगा तो सरकार उनको कदाप नहीं बख्शेगी। उनके कोटा को हम लोग जब तक निरस्त नहीं करवा देंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, अनेक बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे उस कोटेदार को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस महिलाओं के साथ में उन्होंने अभद्रता का प्रयोग किए हैं तो उनके साथ जो है FIR दर्ज होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और आ गई बात कि जो कार्ड धारक हैं, कितने लोगों को राशन कार्ड से नाम कट गया है, वो कोटेदार का कर्तव्य बनता है कि हमारे ग्राम सभा में कितने लोगों का राशन से नाम कटा हुआ है उनको चढ़वाने का कार्य करें, लेकिन ऐसा भी नहीं करते हैं। जिसके पास है उसका भी काटते हैं। अगर कोई बच्चा जाता है उनसे पूछने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कोटेदार खुद लाठी डंडा निकाल करके उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ऐसा ही हुआ। तो आप लोग, अगर ऐसा नहीं होता, आप लोग चाहते हैं कि कोटा उसके यहाँ से निरस्त? हम लोग चाहते हैं कि कोटा उनके यहाँ से हट जाए, क्योंकि वो बाप की बपंसी नहीं है। अगर गरीबों का अधिकार है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कोटेदार नहीं चाहिए हम लोगों को, समानता का अधिकार। क्या नाम है बाबू? सर गोविंद। कहाँ के रहने वाले? खुटौली की। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत है? सर हम राशन लेने गए तो उसमें मतलब 5-6 किलो राशन कम दे रहे थे। हाँ। हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, बोला कि 5-6 किलो राशन हमारा क्यों कम क्यों मिल रहा है, मतलब कहाँ का है कोटेदार? खुटौली का। क्या नाम है कोटेदार? रामपरीत यादव। फिर क्या दिक्कत हुई आपको? सर वो लोग हमको मतलब हम जब राशन लेंगे तो वो लोग हमको मारने लगे, मतलब राशन कम दे रहे थे, उसमें हम ऑब्जेक्शन लिए कि राशन हमको क्यों कम मिल रहा है। 5 यूनिट से 4 यूनिट दे रहे, 1 यूनिट खा जा रहे हैं वो लोग। अच्छा, हर यूनिट पे? हर यूनिट पे सर। बस इतने में हमको सर दूर बुला के मारने लगे उसने। कौन कौन था मारने वाला? वो नीरज थे और एक रामपरीत यादव, कोटेदार। जी सर, कोटेदार जी सर, इतना मोटा सर लाठी लेके आए मारने के लिए हमको, उधर लगा सर और फिर नालम की में पूरा गोड़ अंदर चल गया सर। जी सर। अच्छा, साथ में आप भी थे क्या? जी हम भी साथ में थे, दोनों साथ में। क्या हुआ था उसमें? क्या हुआ था मतलब, गया राशन लेने तो हर बार 5 किलो काट देते थे, इस बार ये बोल दिया कि हर बार किस बार का काटते हो 5 किलो, तो इतनी सी बात पे इसको साइड ले जाकर झाल के पास लगे मारने जो है कि, और कोटेदार वहाँ से खुद एक लाठी निकाल कर बोल रहा है मारो साले के घेर के इसको। हाँ, और बोल रहा था कि जिसको जिसमें जितना दम है जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लेना। हाँ, कोटेदार जान के जाने ऐसा बोले हैं कि दबंग व्यक्ति किस्म के, कैसे ऐसे क्यों बोल रही हो? बहुत दबंगई दिखाते हैं वो। अच्छा। हाँ, दबंगई बहुत दिखाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जूम करें और दिखाएं कि इस बच्चे को इतना मारा गया है कि इसको चोट भी आई है, काफ़ी चोटें आई हैं। मेरा मुंह भी सूझा, नाक से खून निकल रहा था, और देखिए सर पूरा।
पूरा दर्द कर रहा है सर। इसके नाक से खून निकल रहा था। ऐसे ऐसे कोटेदार हैं, ऐसे दबंग कोटेदार हैं जो बच्चों को सवाल करने पर, जो शिक्षित होगा सवाल करवे करेगा, जिसको जानकारी होगी सवाल करवे करेगा, और उस सवाल करने के बाद अगर इस तरह बर्ताव किया जाता है तो क्या इस तरह क्या गरीब की आवाज़ दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। मैं वर्तमान सरकार से जवाब चाहूँगा कि क्या ये जो शिक्षित बच्चे हैं, अगर ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने हक का सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे हकों को क्यों लूटा जा रहा है, या हमारे जो राशन है, हमारे जो यूनिट बनता है उस यूनिट को क्यों काटा जा रहा है, अगर इन सवालों के साथ इस अभद्रता से इनके साथ प्रयोग किया जाएगा तो बताइए ये शासन प्रशासन से अपने न्याय की गुहार कैसे लगा सकते हैं, किस प्रकार उस पर विश्वास कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब नहीं आ पाए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ आए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करना चाहेंगे। चाची आपका नाम क्या है? बिमला। कहाँ के रहने वाली है? कोटावली की। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है, राशन लेने जाओ तो 5 किलो काट लेते हैं। हम लोग गरीब हैं, दुखिया हैं, राशन हमको सरकार देती है लेकिन कोटेदार पूरा राशन नहीं देता हमको। क्यों? अब ये तो हमको भी नहीं पता क्यों नहीं देते। कहते हैं कि प्रधान कहते हैं कि काट लो। अरे कितना काट लोगे? 5 किलो काट लोगे? प्रधान कहते हैं काट लो। हाँ, वो कोटेदार लगाते हैं कि प्रधान कहते हैं। अच्छा। प्रधान से हमने पूछा तो प्रधान कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यहाँ आपके प्रधान जी मौजूद हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कोटेदार, वो दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कैसे संतावना इन लोगों से आप लोगों से मिली? हम लोग प्रधान से हमने कहा कि आप ऐसे क्यों कहते हो? कहते हम ऐसा नहीं कहते। कोटेदार किस शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोगों को? वही गाली गुच्चारी और क्या कहेंगे? हमारा नंबर आ गया है, कहेंगे वही खड़ी रहो अभी देंगे नंबर। अरे सर, हम सुबह से लाइन लगा के खड़े हैं, हम लोग चूतियाँ हैं उनके आगे, जो उनके संबंध के हैं उनको कहेंगे पहले फटाफट दे देंगे। हम लोग को खड़े रहो भी देते भी देते हैं, बस क्या करेंगे, हटा देंगे, ताला मार देंगे, बंद करेंगे, भागो 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 भागो, नेट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यही दिक्कत है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस बार हो गया, तीसरी बार हो गया। हाँ। एक करने के लिए वो मजबूर कर देता है। हाँ। हम लोगों को मारने के लिए वो, हम लोग जब वहाँ गल्ला लगा के जाते हैं तो वो बोलते हैं, औरत जाती है तो उनको सोचे बोलते हैं जो हमारा उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, हम नहीं देंगे, तुम हम नाम भी कटवा देंगे, क्या करोगी हमारा। और दूसरी बात, वहाँ मर्द जाते हैं तो वहाँ कड़िया और लाठी लड़ने से बात होती है। मैं यहाँ के किसी शासनिक अधिकारी से बात नहीं करना चाहूँगा। मौजूद थे जो जितने जानते थे वो ताला लगा के निकल गए, कहते अब बंद हो गया राशन, चले जाइए घर। हम लोग बेवकूफ़ हैं, सुबह 6 बजे से 4 बजे शाम तक राशन मिलने का नियम है? नहीं, वो भी नहीं बजने दिया, 9 बजे देंगे उसके बाद नहीं देते। हम लोग भी बजने नहीं दिया, वो सुबह में खाली कर दिया ताला लगा के। हम 2 दिन गए हमें मिले नहीं। अच्छा। कहता है कि बैटरी खत्म हो गई। मैं कहा क्या हो गया, प्रधान की बहन की बैटरी कैसे खत्म हो गई? मैं तो भाभी लगती हैं। अच्छा। मैंने मजाक कराया कि कोटा कब देगी, ये महीना चला गया वो महीना चला जाए, कोटा कब खाई हम लोग गरीब नहीं क्या खाई साहब? हमारे 5 साल से कट गया हुआ है। 5 साल से कट गया है। हमने राशन देता हूँ सात उनट में एक उनट कटा है, बाकी हमें 15 किलो क्यों देते हैं प्रधान? वो पे लिख देता कि पूरा तो हर दे आई। मैंने तकड़ी बट्टा से ले जा के घर वजन करी, मेरे के गल्ला कम मिला, मैं अपने घर वजन करी। 35 किलो राशन मिलना चाहिए तो 15 किलो कैसे? प्रधान से पूछो जाके क्यों देते हैं, ये लिख देते हैं कोटेदार प्रधान है ना पुन्ना, कोटेदार लिख देते हैं, हमको अनपढ़ गंवार है, खाली मुँह से बोले वाली है। दोस्तों देखिए, लोगों को गल्ला बराबर दिया जा रहा है, हम जो राज भर है नीची जात के जो लोग हैं, हम लोगों को गल्ला नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को गाली से बात करके भगा दिया जा रहा है उसी जगह से। क्या लगता है माता जी, जातवादिता हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल हो रही है, इसमें कहने की बात ही नहीं है। अगर हो नहीं रही है तो यादव लोग आए क्यों नहीं? यादव लोग क्यों नहीं आए? उनको मिलना है तभी तो नहीं आए, हमको नहीं मिलना है। हम लोग अपने दें कहा देवन कहा गल्ला जात बा, गरीब का पेट काट ही लेते हैं वो गलवा का होत बा। माता जी आज आपके सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय जी आए हैं, यही कहा जात बा गलवा, यही सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मनोज सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर मिर्जापुर। ये जो खुटौली में आज घटना हुई है, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना की जानकारी हमको उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष पे दी गई, उनके द्वारा यह बताया गया कि वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है,
कोटेदार और गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आप जाके देख लीजिए क्या दिक्कत है। अगर कोई वितरण की समस्या हो तो उसकी जांच करके हमको रिपोर्ट प्रेषित करिए। उनके निर्देश के क्रम में मैं यहाँ तत्काल पहुँचा हूँ और यहाँ जो कारधारक थे मैंने उनका बयान लिया। अब बयान जो पीड़ित है सर, जो पीड़ित है, पीड़ित गरीब के लिए ये राशन बनता है और राशन आता है, अगर वही गरीब अपना सवाल, अपने हक के सवाल को पूछता है तो क्या इस तरह अभद्रता करना उसके साथ उचित है? एकदम गलत है। अगर कोई भी मारपीट कर रहा है एकदम गलत है, चाहे वो कोटेदार हो या कोई सामान्य व्यक्ति है। अगर वो किसी को मार रहा है, पीट रहा है तो एकदम गलत है। उसके लिए उनको थाने से या कानूनन सजा मिलेगी और उनके द्वारा वितरण में जो अनियमितता की गई है उसके लिए ग्राम प्रधान महोदय और अन्य सम्मानित ग्रामवासियों और आप लोगों के मध्य मैंने विधिवत गहन जांच की है, बयान लिया है कारधारकों का। बयान में जो भी अनियमितता पाई जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई जाएगी। तो सर जो इनकी मांग है, क्या आप इनकी मांग पूरी कर सकते हैं? अरे हम सप्लाई इंस्पेक्टर हैं जी, सक्षम अधिकारी ऊपर SDM साहब हैं, DM साहब हैं, मैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी हूं। मैंने जो जांच आप में रिपोर्टिंग देंगे सर उसी का मान्य होगा। ये लोग तो चाहते हैं मुझे निरस्त किया जाए। मौके पे मुझे जो भी बयान मिला है उसके अनुसार मैं रिपोर्ट आज शाम तक उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सर ऐसा कितना मामला देखने मिला है? अभी तक ऐसा मामला कितना मिला है? ये अभी हमको क्या कहते हैं सर पहला मामला भी कैसे सामने आया है? अरे सर वो गोपनीय रखने वाला थोड़ी ना, ज्ञापन ऐसा इस तरह थोड़ी ना करते। एक जवाब देते जाइए सर, अभी तक पहला ऐसा मामला है या और भी है?